पूछा था ना, कानून व्यवस्था पे क्या लेना। ये जो साथी ने सवाल पूछा, कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं, आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहां कहां से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। और याद कीजिए, जब मैं राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहा था सर, दो दिन पहले कन्नौज में यशो ही लूट, यशो के साथ ही लूट हुई है। शांति रख थोड़ी देर। जिस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालिग्राम के दंगे में, और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए, और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे? और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हो, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ? समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं, किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा, तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। भैया दो दिन पहले, और अरे रुक जा भाई, असली बात तो कह लेने दे। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना, आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं। आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई, कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सरकार लगी है अन्याय कराने में। जहाँ चुनाव होगा, प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब इतने मुकदमे लगे हों? आप बताइए, दीपक यादव झांसी में जेल चले गए, क्या नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? ये सब झूठे मुकदमे लगा रही भाजपा ने अपने स्वार्थ। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी, तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। जब तक स्वीकार वो खुद नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में जो है, आफ्ताब को लेकर के एक हजार की लफ्ज याद किया गया है, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव देखते हुए जो क्या कानून व्यवस्था पे कुछ कहना चाहिए? कहीं पुलिस को पीटा जा रहा, कहीं रिवॉल्वर छीनी जा रही, कोई नई चीज नहीं हो रही है बीजेपी से। इसीलिए मैंने कहा सरकार को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, पुलिस पे एक तरफ दबाव है, और पुलिस ही के ऊपर ये इस तरह की घटना हो रही है। चाचा का सवाल, एक सवाल हमारा, केशव जी ने टिप्पणी की है प्रयागराज में कि कहीं ये चुनाव तक ही ना सीमित रह जाए चाचा का सम्मान। उसकी चिंता मत करो, उन्हें कौसाम्बी बार बार जाना चाहिए। मैनपुरी की जीत अच्छी होगी, और जो कुछ मैनपुरी का विकास है वो नेताजी का दिया हुआ है, किया हुआ है। नेताजी को समय समय पर मैनपुरी के लोगों ने साथ दिया है, और नेताजी ने भी मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया, और हर कार्यकर्ता वहाँ नेताजी को याद करके तैयार है वोट डालने के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत देर से प्रयास कर रही है कि डिम्पल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज के 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे, खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे, किसने बनाई ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी,
भैया सदर को और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए भैया सदर को दो। अरे ब्रेकिंग न्यूज मान लें कि कन्नौज से 2024 में आप आ रहे। भाई ऐसे क्यों बोल दो ब्रेकिंग न्यूज, पत्रकार की तरह रहो भाई, पार्टी मत बन जाओ क्या हमने टिकट तय कर दी भैया। अरे पत्रकार की तरह रहो, पार्टी लड़ेगी। उनतीस लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में खनन का मामला दर्ज है, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया वो भी रात में छुड़ा ले गए। अरे भाई हमें साफ बताओ, हमें जानकारी नहीं है जो नहीं नहीं जो अगर खनन किया तो यहाँ का डीएम जानता होगा, यहाँ के अधिकारी जानते होंगे, और अगर वो बचे हुए तो डीएम बचा रहे होंगे, उसमें क्या नई बात है, इसमें कोई बात है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जो है रात में जो है छुड़ा। अरे भाई निजी मुझे हल्के छोड़ दे। अरे रुक जा भाई, अगर आपने इलीगल माइनिंग की तो इलीगल माइनिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, माइनिंग ऑफिसर प्लस जिलाधिकारी। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि कन्नौज में कोई इलीगल माइनिंग ना हो, वहीं जिलाधिकारी की ये भी जिम्मेदारी है पुलिस वादियों के साथ रही है। ये तो चुनाव में कभी कभी हो जाता है कि भाई हार गए, ठीक है हार गए, स्वीकार कर ली जनता ने हमें मतदान नहीं किया, अब जनता इंतजार कर रही है भाजपाइयों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जो महंगाई बढ़ाई है, जो कन्नौज को बर्बाद किया है। आप सोचो सदन में हम परफ्यूम की बात कर रहे हो और मुख्यमंत्री जी गोबर की बात कर रहे हो, और वो गोबर प्लांट कौन सा था, मैंने बाद में जानकारी की, जिस गोबर प्लांट का हम ही ने शिलान्यास किया था, आप पता करिए, अगर सच नहीं बात तो बताइए, और वो भी अभी तक नहीं बना पाए, तो परफ्यूम पार्क क्या बना पाएंगे जो गोबर का प्लांट ना बना पाए हों। भैया निकाय चुनाव के प्रत्याशी कब तक, जल्दी चुनाव का वो सब आरक्षण वगैरह तय हो जाए उसके बाद सब आ जाएंगे। बीजेपी वालों को मत सुनाना चाहते, अपनी जाके कहोगे भैया देखो हम रिकॉर्ड कर लाए, ये भी सुन लो आपके बारे में, आपके पत्रकार।